नमस्कार दोस्तों, आज औजारों चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बोर्ड कैसा बनाते हैं। ये घर में देखिए, आपने कोई इलेक्ट्रिक की बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और इमरजेंसी में नहीं रहता है तो ऐसा आप बोर्ड बना सकते हैं। इसको सॉकेट कहते हैं और ऐसा एक सॉकेट लेने का है। ये दो सॉकेट का बोर्ड है और दो बटन का बोर्ड है। तो इसमें देखो, ये बोर्ड को एक खाँचा लगा रहता है। ये खाँचा, ये ऐसा पकड़ से तोड़ोगे आप, देखो ये खाँचा ऐसा टूट जाएगा। ये ऑलरेडी इसको बना रहता है। ये यहाँ से हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। अभी दोस्तों देखो, ये खाँचे में एकदम सिंपल है और फटाफट वाला काम है। ये देखो, मैंने ये डाला इसके अंदर। अब मैं इसको स्क्रू लगाऊंगा, ऐसे नट लगा दूंगा। ये देखिए, इसको भी मैं ऐसे नट लगा दूंगा। इसको कभी कभी कंपनी की तरफ से खाँचा नहीं रहता है। ये देखो, ये खाँचा है, अभी ये डाला मैंने। ऐसा उंगली से पकड़ लेगा और पकड़ने से उल्टा करके इसको ऐसा स्क्रू लगा देगा, तो ये फटाफट काम होता है। ये देखिए, ये मैंने ऐसा लगा दिया है। अब सेकंड में उसके बाजू में बटन है, और बटन का ध्यान रहे, ये जो लिखा रहता है वो ऊपर का साइड है, वो हमेशा याद रखना चाहिए। ये मैंने बटन लगा दिया और बटन को भी मैं ऐसे ही स्क्रू लगा दूंगा। और ये देखिए, ये स्क्रू लगा दिया बटन को और नीचे से मैंने ये लगा दिया, लगा दिया है। ये देखो दोस्तों, अभी एक सॉकेट, अभी बटन ये लॉक हो गया। उसके बाजू में और एक बटन है, ये तीसरा बटन, ये दूसरा बटन। ये देखो, ये बटन भी मैं ऐसे लगाऊंगा। मेरे पास स्क्रू की कमी है इसलिए मैं इसको एक ही स्क्रू लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये स्क्रू लगा दिया और एक सॉकेट और लगाना है। ये सॉकेट है, इसको भी खाँचा अभी देखो, ये क्लियर कर लूँ मैं खाँचा। इसको खाँचा क्लियर नहीं है, ये खाँचा अभी क्लियर हो गया। ये मैंने ऐसे लगा दिए। अब इसको मैं सबको टाइट कर दूंगा, ऐसा करके नीचे से ऐसा उंगली लगा के इसको टाइट कर दूंगा। ये देखो, ये टाइट किया मैंने। ये मैंने टाइट कर दिया है, ये मैंने टाइट कर दिया। अभी दोस्तों, ये बोर्ड का मैंने ये बना दिया है। अब इसको भरना कैसा है, इसमें देखो प्लस माइनस रहता है। एक साइड में जब भी लगाओगे देखो, इसमें लिखा रहता है, इधर एल लिखा है, इधर एन लिखा है, ये ध्यान रहे। मतलब ये सप्लाई है जो, अभी मैं सप्लाई कैसा जोड़ दे वो आपको दिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अभी हमने ये तो बटन तो इसमें लगा दिए है, अभी इसको हमको बोर्ड भरना है। अब भरने के लिए क्या करें, पहले ऐसे वायर के टुकड़े काट लीजिए, छोटे दो कलर के, एक रेड और ब्लैक कलर, क्योंकि जल्दी समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ लगाना है। तो देखो दोस्तों, अभी ये मैंने ढीला किया है, ये देखो। अब मैं इसको फेज बनाऊंगा। फेज के लिए क्या करूँगा, मैं पहले ऐसे वायर को ऐसे घुमा के इसको बराबर कर दूँगा, ये देखो। और ये वायर ऐसे करके ऐसे लगा के इसके अंदर ऐसा लगा के इसको टाइट करूँगा। ये देखो, ये वायर टाइट हो गई इसके अंदर। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये बटन पे दूँगा। तो ये फेज का वायर मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी में दो प्रकार के ये रहते हैं, एक तो रहते हैं न्यूट्रल और एक पॉजिटिव।
तो अभी हमको इसमें न्यूट्रल को न्यूट्रल ही से ही जोड़ना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही देना है। अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव एक दूसरे को मिल जाएंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी और बड़ा अनर्थ हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव को ही दिया है। ये देखो ये पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी ऐसा जोड़ लूँगा क्योंकि ये भी मुझे पॉजिटिव बनाना है, ये दूसरा वाला। तो अभी देखो मैं इसको ये दूसरे वाले को भी पॉजिटिव बना रहा हूँ और इसको भी मैं जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक में ज़्यादातर यही ध्यान रहे कि कभी भी वायर पॉजिटिव को पॉजिटिव ही लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखो अभी मैं इसको टाइट करूँगा, बराबर नहीं हुआ है, 1 मिनट। ये भी देखो ये मैंने वायर लगा दी है, अभी ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने लगा दिया है। अब क्या करें दोस्तों, और ये दो पॉजिटिव के टुकड़े मैं ले रहा हूँ, ये रेड कलर है इसलिए मैं इसको पॉजिटिव बोलूँगा। और अभी मैं ये ऊपर के हिस्से में लगाऊँगा, ये बटन के, एकदम सिंपल है। अगर अच्छी तरह से जानकारी ध्यान में रखोगे तो घर में कोई भी आदमी बोर्ड बना सकता है और अपना काम चला सकता है। आपको बोर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कभी मोबाइल चार्जिंग करने को लगता है और छोटा सा लैंप लगाने का है तो भी बोर्ड लगता है। ये देखो ये दूसरा लगा दिया मैंने, दोस्तों अभी ये मेरा, ये दोनों आ गया, ये मेरा पॉजिटिव है इसलिए मैं इसको मिला सकता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही है, सिंगल फेज का बोर्ड है। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट है मेरे को न्यूट्रल के लिए देना है। तो न्यूट्रल के लिए कैसा देंगे कि देखिए, ये मैंने दो टुकड़े लिए वायर के, और भी इसको मैं ऐसा अच्छी तरह से छील लूँगा, ऐसे छील लूँगा इसको, और ये वायर मैंने ली है। अब एक वायर मैं यहाँ दूंगा, ये देखिए मैंने एक वायर यहाँ दिया है इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए। और मैं इसको टाइट कर दूंगा, और दूसरा वायर मैंने लिया है, अभी ये वायर मैं ले रहा हूँ, इसको भी मैंने छील दिया है ऐसा, और मैं इस बाजू में इसको इसको लगा के मैंने ऐसा हमको टाइट करना है। ये देखो मैंने ये टाइट कर दिया। अब क्या हुआ, ये मेरा एक छेड़ा हो गया, ये मेरा हो गया न्यूट्रल। तो दोस्तों अभी देखिए ध्यान रखें, ये मेरे पास लंबी वायर है, ये वायर है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा सा छील लूँगा, और छीलने के बाद इसको थोड़ा ऐसा कर दूँगा मैं, और एक छेड़ा मैं अभी लाल वाला छेड़ा है पॉजिटिव का, मैं इसको जोड़ूंगा। ये मैंने इसको जोड़ दिया, और न्यूट्रल का जो छेड़ा है मुझे, ये दो जो दो वायर है न्यूट्रल वाले, इसको मैंने को जोड़ना है। 1 मिनट, दोस्तों अभी ये जो मैंने जॉइंट मारा है इसको हमको टेप लगाना ज़रूरी है। ये देखिए इलेक्ट्रिक का टेप है, इंसुलेशन टेप है, इसको तोड़ने का भी एक तरीका होता है। ये देखो मैं ऐसा पकड़ता हूँ, ऐसा तोड़ता तो फट से टूटता है। ये देखिए अभी मैं ये टेप लगा दूंगा इसको,
और टेप लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया तो भी चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी सेफ्टी है, ज़िंदगी का सेफ्टी रहना बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने यह टेप लगा दिया है। अब टेप लगाने के बाद ये मेरा बोर्ड बन गया है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसके अंदर इसको, अगर दीवार में लगाना है तो ऐसा आप इंस्टॉल कर सकते हैं दीवार में, इसको चार स्क्रू दिए जाते हैं, ऐसे चार स्क्रू छोटे बड़े इससे थोड़े बड़े ऐसे लगा के ये दो स्क्रू में आप ऐसा दीवार में लगा सकते हैं, उसके बाद ये ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं। अच्छा अभी क्या करना है, ये वायर निकालने के लिए यह खाँचा दिया जाता है कंपनी का, तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको होल करना है। अभी इसको मैंने एक खाँचा गिरा दिया है ऊपर के लिए, ये ऐसे मैं वायर डालूंगा, ऐसे मैं वायर डालूंगा, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये वायर है इस साइड में रहे, और हिसाब से मैं इसको ऐसा लगा दूंगा, और ऐसा रखने के बाद इसमें ये स्क्रू है, स्क्रू मैं ऐसे लगा दूंगा। देखो ऐसा मैं टाइट कर दूंगा इसको, ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड बन रहा है, और अच्छी तरह से बोर्ड बन गया है। भाइयों देखो ये अच्छी तरह मैंने इसको लगा दिया है, अभी देखो आपका बोर्ड बन गया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड एकदम फर्स्ट क्लास एकदम। अब क्या करें भाई, ये मेन सप्लाई में आपको ये जोड़ना है, या तो एक्सटेंशन लेना है तो इसको एक पिन लगा के ये दूसरे सप्लाई में हम डाल देंगे। देखो दोस्तों अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये लगा दिया है, अभी ये बोर्ड के बटन बंद है। अभी देखो मैं ये बटन चालू करूँगा तो इसमें लाइट जलेगी, ये फेज है, देखो ये फेज है, दिख रहा है ये फेज है ना, मेन ये देखने का। अभी मैं ये बटन बंद करता हूँ तो फेज कट होना चाहिए, कभी कभी क्या रहता है कनेक्शन उल्टा होने से, बटन बंद करने के बाद भी अगर फेज आता है तो वायर का सप्लाई चेंज कर देने का, उल्टा सुल्टा कर देने का, यहाँ की वायर यहाँ, यहाँ की वायर वो यहाँ लगा देने का। ये देखिए ये मेरा बोर्ड 100% ओके हो गया है, इधर का भी देखो ये मेरा बोर्ड 100% ओके हो गया है। जिसमें करंट आता है वो फेज है, जिसमें करंट नहीं आता है वो न्यूट्रल है। अभी हम इसको कैसे चेक करेंगे, ये देखो अभी हमारे पास एक गुड नाइट मशीन है, आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं मशीन लगा रहा हूँ, ये गुड नाइट मशीन है, ये मैंने लगाई है, ये देखो ये ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, ये ऑन हो गई, ये मेरा बोर्ड अच्छी तरह से हो गया। इससे आप चार्जर चार्जिंग भी कर सकते हैं, और आपको मोबाइल चार्जिंग करना है तो भी कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा कोई पॉइंट की ज़रूरत है तो भी कर सकते हैं।